गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर एट द डांडी मार्च टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज पार्ट टिक द करेक्ट आंसर ओपन पेज नंबर सेवेंटी थ्री फॉर एक्सरसाइज सेक्शन गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन गांधी जी ने कौन से डेट पर लेटर लिखा था थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी वेन ही लेट द डांडी मार्च जब गांधी जी ने दांडी मार्च लेट की थी वो कितने इयर्स ओल्ड थे ही वॉज सिक्सटी वन ईयरस ओल्ड इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन फिफ्थ मार्च नाइनटीन थर्टी वन एट डेली सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर टेक द करेक्ट आंसर्स नाव वी विल गो थ्रू द आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कंटेक्सट सो गांधी जी वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस वॉट डज दिस रिफ़र टू हेयर तो यहाँ पे दिस किस को रेफर कर रहा है हमें बताना है दिस रिफ़र्स टू द एक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट लॉ यहाँ पे दिस उस चीज़ को रेफर कर रहा है कि जो एक्शन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिगार्डिंग द salt law so you are going to write this refers to the action of british government regarding salt law सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डिड गांधी जी डू आफ्टर दिस गांधी जी ने क्या किया ही रिक्वेस्टेड लॉर्ड इरविन एलो आडी लॉर्ड आई आर डब्ल्यू आई एंड इरविन थ्रू हिज लेटर तो गांधी जी ने उस ब्रिटिश लॉ के लिए बात करने के लिए वो लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को तो ही रिक्वेस्टेड लॉर्ड इरविन थ्रू हिज लेटर सी वन इज वॉट डिड ही से इफ से ही वुड डू इफ़ ही डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड तो उसने गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर मेरी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हुई तो वो क्या करेंगे ही सेट दैट ही वुड एनकरेज ऑल इंडियंस टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ सॉल्ट लॉ इफ़ हिज डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होंगी तो मैं आ, सारे इंडियंस को एनकरेज करूँगा टू ब्रेक द Salt law. Then second question is I see them I see them. Who could say these words? ये words kisne bole The children who want to see the marchers said these words. जो बच्चे marchers को ऊपर अपने घरों की छतों से देख रहे थे I see them I see them ये words वो बच्चे बोल रहे थे

वेयर वर द स्पीकर सिटिंग एंड वाई स्पीकर कहाँ पर बैठ के और क्यों बैठे द स्पीकर ऑन ट्रीज ये जो बात कर रहे हैं ये लोग ये बैठे हैं ट्रीज पे टू कीप लुक आउट फॉर द मार्चर्स गांधी जी और उनके मार्चर्स की तरफ लुकआउट करने के लिए ये सब लोग बैठे हुए हैं ट्रीज़ के ऊपर देन थर्ड वन इज़ ही बेंट डाउन एंड पिकड अप लंप ऑफ सॉल्ट तो इस क्वेश्चन में हु इज ही बींग रिफर्ड टू हेयर यहाँ पे ही कौन है ही इज़ बींग रेफर्ड टू महात्मा गांधी यहाँ पे महात्मा गांधी की बात हो रही है सो ही इज़ बींग रेफर्ड टू महात्मा गांधी सो फॉर द नेक्स्ट वन वी हैव टू ओपन पेज नंबर सेवेंटी फोर फॉर टू थ्री सेकेंड्स आई एम गोइंग टू शो यू दीज आंसर्स सो यू कैन राइट इट करेक्टली

जय वेयर डिड ही पिक अप द लम्प ऑफ सॉल्ट उसने महात्मा गांधी जी ने लम्प ऑफ सॉल्ट कहाँ से उठाया ही पिकड अप द लम्प ऑफ सॉल्ट इन द वॉटर ऑफ द अरेबियन सी इन डांडी ही पिकड अप द लम्प ऑफ सॉल्ट इन द वॉटर ऑफ द अरेबियन सी इन डांडी उन्होंने ये पानी में से निकाला था जो कि था अरेबियन सी डांडी के पास

था गांधी जी रोड द लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन पीपल एंड एंड पॉइंटेड आउट द मैनी अनजस्ट थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग गांधी जी ने लिखा था लेटर लॉर्ड इरविन को बिहाफ ऑफ द इंडियन पीपल सारे इंडियन पीपल के बिहाफ़ में एंड पॉइंटेड आउट द मैनी अनजस्ट यू एन जे यू एस टी अनजस्ट थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग और जितनी भी गलत चीज़ें ब्रिटिश उनके साथ कर रहे थे वो सारी चीज़ें उन्होंने उस लेटर

वाई डिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू स्टॉप द मार्चर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी कोशिश क्यों नहीं की उन मार्चर्स को रोकने की द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडन्ट स्टॉप दैम बिकॉज दे नेवर बिलीव्ड दैट गांधी जी वुड बी एबल टू वॉक ऑल द वे टू डांडी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की क्योंकि उनको लगी ही रहा था कि ये लोग गांधी जी और उनके मार्चर्स जो है वो दांडी तक पैदल जा पाएंगे

दैन सिक्सथ क्वेश्चन इज हाउ डिड द पीपल ऑफ़ इंडिया चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो द पीपल ऑफ इंडिया चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाई मेकिंग सॉल्ट इन पैंस एंड पॉट्स उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे चैलेंज किया बाय मेकिंग दॉल्ट इन पैंस एंड पॉट्स में वो सॉल्ट तैयार करने लगे एंड दे चैलेंजड दैम टू स्टॉप दैम so here we have completed our question and answers also so these question and answers you have to write it in your english copy first you have to complete it in your book then your homework is that you have to complete it in your english copy and in the next video we will continue forward with our exercise section